द ट्रैक सोन इन फिगर एंडस इन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर सो ये ट्रैक देखिए ट्रैक दिया हुआ है जो एक सर्कुलर ट्रैक में एंड होता है ठीक है जिसका रेडियस स्मॉल आर है ए स्मॉल सॉलिड स्फेयर ऑफ मास स्मॉल एम रोल्स फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए हाइट एच इक्वल टू सिक्स आर फ्रॉम द लेबल ग्राउंड लेबल ग्राउंड से एच इक्वल टू सिक्स आर हाइट पर एक सॉलिड स्फेयर है जो पॉइंट ए से रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मीन्स ये रोल करना स्टार्ट करता है विदाउट स्लिपिंग स्लिपिंग इसमें नहीं है वाट इज़ द स्पीड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्फेयर वैन इट रीचेज ए पॉइंट बी एट ए हाइट आर इस स्फेयर का स्पीड आपको निकालना है जब ये लेवल ग्राउंड से एच इक्वल टू आर मीन्स हाइट जो है आर रीच करता है पॉइंट बी पर मीन्स ये स्फेयर रोल करता हुआ जब पॉइंट बी पर पहुँचेगा इस सर्कुलर ट्रैक पर तो so उस समय उसकी स्पीड क्या होगी ये हमको निकालना है वाट इज द स्पीड ऑफ द स्फेयर वेन इट रीचेज ए पॉइंट बी एट ए हाइट आर एबव द लेवल ग्राउंड इस हाइट से आर हाइट पर और आर क्या है इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है सिर्फ इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है ठीक है और ऑल्सो फाइंड हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेयर वेन इट रिचेज बी जब ये स्फेयर बी पर रिच करता है तो इस समय इसके ऊपर क्या हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा ये भी हमें इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना है ठीक है सो तो देखिए इसको निकालेंगे कैसे सबसे पहली बात कि रोल विद, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है सो तो अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है सो तो मान लीजिए इस पॉइंट से ये स्फेयर जो है ये रोलिंग करना स्टार्ट करता है तो पहली बात इस पॉइंट पर इसको रेस्ट से रिलीज किया गया मीन्स यहाँ पर वेलोस्टीज की जीरो है ठीक है सो so, इसको सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग तो क्या करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करेंगे सो so, देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा एनर्जी किस पॉइंट पर अवेलेबल है सो so, पहली बात यहाँ पर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मींस भी जीरो है सो so, अगर रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है सो भी इक्वल टू ओमेगा आर हमेशा होना चाहिए ठीक है भी जहाँ पर लीनियर वेलोसिटी है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और आर क्या है दिस इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर ओके सो मान लीजिए यहाँ पर वेलोस्टी जीरो है सो देर आर टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल विद द स्फेयर इस प्रॉब्लम में सो so, वो क्या क्या है तो पहला इसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी का दो टाइप होगा वो पहला हो जाएगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसकी वैल्यू क्या होगा हाफ एम बी स्क्वायर जब ये रोलिंग करना स्टार्ट करेगा तो इसमें दो वेलोसिटी डेवलप होगा पहला लीनियर वेलोसिटी और दूसरा एंगुलर वेलोसिटी। सो लिनियर वेलोसिटी के कारण क्या होगा इसमें एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर जिसको हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं और सेकंड जो एनर्जी इसमें डेवलप होगा दैट इज रोटेशनल 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 काइनेटिक एनर्जी इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ओके ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी और आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन सो देखिए यहाँ पर रेस्ट से स्टार्ट किया गया इसको भी जीरो है सो so भी अगर जीरो होगा तो ओमेगा भी जीरो होगा सो so, इसका मतलब यहाँ पर काइंटिक एनर्जी जीरो है सो so, एवेलेबल क्या है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पी ई पोटेंशियल एनर्जी इसके पास एवेलेबल है और इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी एम जी एच इसका मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एच एच की वैल्यू यहाँ पर क्या है सिक्स आर ओके okay? देन जब यहां पर पहुंचेगा सो तो ये भी लेवल ग्राउंड से आर हाइट पे है सो तो यहाँ पर क्या इसके पास अवेलेबल होगा पहला तो पोटेंशियल एनर्जी होगा ओके okay? दूसरा क्या होगा काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों ही टाइप का इसके पास अवेलेबल होगा क्यों क्योंकि ये स्लाइडिंग केस नहीं है रोलिंग है ये बॉल रोल कर सकता है सॉलिड स्पेयर है सो तो यहाँ पर इसके पास दो तरह का एनर्जी यहाँ पर डेवलप हो जाएगा जो कि पोटेंशियल और काइनेटिक है ठीक है सो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे हम बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी सो टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी एनर्जी एट एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ स्फेयर एनर्जी एट बी ओके सो देखिए ए पॉइंट पर क्या है सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है बाकी एनर्जी इसका जीरो है सो एम जी और एच की वैल्यू सिक्स आर ठीक है इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट बी क्या हो जाएगा एम जी एच सो एच की वैल्यू आर देन प्लस हाफ एम बी स्क्वायर मान लीजिए यहाँ पर वेलोस्टिस का डेवलप हुआ डेट इज भी ठीक है ये टेंजेंशियल वेलोसिटी सो so वेलोसिटी मान लीजिए इसमें जो है सर्कुलर ट्रैक पर इसका वी डेवलप होता है सो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अब देखिए आई का वैल्यू क्या होगा मोमेंट ऑफ एनर्सिया ऑफ दिस सॉलिड स्पेयर अबाउट इट्स सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन डेट इज टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर टू बाई फाइव एम और आर स्मॉल आर गिवेन है रेडियस सो स्मॉल आर का स्क्वायर ठीक है सो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है इसका डायमीटर है ठीक so, है डायमेट्रिकल एक्सिस सॉलिड स्क्वायर का सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फर्दर जब ओमेगा को वी में कन्वर्ट कीजिएगा प्योर रोलिंग केस है सो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा वी बाई आर ठीक है ये सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे सो देखिए वैल्यू पुट करते हैं सो so सबसे पहले इसको लेफ्ट ले आइए सो फाइव एम हो जाएगा दिस इज फाइव एम जी आर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई के वैल्यू टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ओके आर स्क्वायर कैंसल आउट सो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए टू भी कैंसल हो गया सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वन बाई फाइव एम वी स्क्वायर सो इसको सॉल्व कीजिएगा सो ये सेवन बाई टेन एम वी स्क्वायर हो जाएगा ठीक है दिस सेवन बाई टेन एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी फाइव एम जी आर ठीक है सो एम कैंसल आउट सो दैट मीन्स सेवन बाई टेन सेवन बाई टेन वी स्क्वायर इक्वल टू फाइव जी आर ओके सो डैट मीन्स वी स्क्वायर इक्वल टू फिफ्टी बाई सेवन जी आर सो वेलोसिटी निकालिएगा रूट हो जाएगा ये रूट ओवर फिफ्टी बाई सेवन जी आर ठीक है सो so जो सेंटर का लिनियर वेलोसिटी डेवलप होगा इसमें डैट इज़ रूट ओवर फिफ्टी बाई सेवन जी आर और अगर ओमेगा निकालने बोलेगा सो हम लोग क्या करेंगे इस भी में आर से डिवाइड कर देंगे ठीक है सो एनी वे नेक्स्ट इज द हॉर्जोनटल फोर्स एक्टिंग ऑन द देयर तो देखिए ये ट्रैक क्या है सर्कुलर है सो अगर सर्कुलर ट्रैक है तो इसमें दो तरह का फोर्स डेवलप होगा पहला क्या होगा एक इसके सरफेस के साथ नॉर्मल रिएक्शन जो कि आपका इनसाइड हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन दिस इज एन अब इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस क्या करेगा दैट इज द सेंट्रिफ्यूगल फोर्स सो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू क्या होगा एम वी स्क्वायर जो इसका टेनशियल वेलोसिटी है डिवाइड बाई रेडियस ऑफ दिस ट्रैक। सो इट इज आर ओके यही होगा सो नॉर्मल रिएक्शन डेवलप इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर ठीक है सो देखिए वी स्क्वायर की वैल्यू फिफ्टी बाई सेवन जी आर ओके देन मास से मल्टीप्लाई करना है इसको देन डिवाइड बाई आर सो देखिए आर कैंसल आउट सो इट इज फिफ्टी बाई सेवन एम जी ठीक है सो so जो नॉर्मल रिएक्शन डेवलप इसमें हो रहा है दिस इज फिफ्टी बाई सेवन एम जी ओके और यही नॉर्मल रिएक्शन जो है इसमें हॉर्जेंटल फोर्स ठीक है. है जब ये बी पॉइंट पर पहुंचेगा सो so इस पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा डैट इज इक्वल टू दिस नॉर्मल रिएक्शन एंड डैट इज इक्वल टू सेंट्रोफ्यूअल फोर्स सिंपल सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स हॉरिजोंटल फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट बी ठीक है सो so, वेलोसिटी निकल गया हमारा जो निकालना था देन हॉरिजॉन्टल फोर्स वी हैव कैलकुलेटेड ओके सो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से बनाते हैं इसको याद रखिएगा